सेक्स के दौरान दर्द पर्टिकुलरली लेडीज के लिए एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हाँ इस दर्द के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन अक्सर इसके बहुत सरल समाधान भी हो सकते हैं। अब बहुत लोगों को ये एहसास नहीं है कि वजाइना या योनि एक सीधी ट्यूब नहीं है, इसमें थोड़ा सा झुकाव है, थोड़ा सा बेंड है एंड एक्चुअली इस बेंड पर पहुंचकर पेनिट्रेशन के टाइम दर्द महसूस होता है। अब इसका सबसे सरल समाधान ये है कि अच्छी तरह से लूब लगाएं और अपने शरीर को इस तरह से एडजस्ट करना सीख लें ताकि योनि आपकी वजाइना थोड़ी सी सीधी हो जाए तो दर्द अपने आप गायब हो जाता है। लेकिन ये बात तो कोई लेडीज को सिखाता ही नहीं है एंड सो बहुत सारी महिलाएं सारी उम्र आनंद लेने के बजाय सेक्स से पीड़ित ही रहती हैं। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या मेरे विचार में ये है कि ये दर्द सिर्फ हमारे शरीर तक नहीं रहता, ये हमारे दिमाग में जाकर दर्द की कहानी बन जाती है। क्योंकि जब किसी चीज से बार बार दर्द हो तो आप वो दर्द को एंटिसिपेट करने लगते हैं, मतलब कि उसका अनुमान लगाने लगते हैं कि मैं ये करूंगी तो इससे मुझे दर्द होगा और इस सोच से आपकी टेंशन बढ़ती है, टेंशन के साथ वजाइना आपकी योनि और टाइट हो जाती है और उसकी वजह से दर्द की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। सो आज हम सबसे सरल समाधान के साथ शुरू करेंगे, यानी कि आपके पेनेट्रेशन स्टाइल, आपके प्रवेश शैली में एक छोटा सा बदलाव, जहां आप लूब लगाकर प्रवेश सिर्फ उस बेंड तक करेंगे जो मैंने कहा था ना कि वजाइना में एक थोड़ा सा बेंड, थोड़ा सा झुकाव होता है, आप प्रवेश सिर्फ इस बेंड तक करेंगे क्योंकि इस बेंड तक बिल्कुल दर्द नहीं होता। जहां लगा के दर्द शुरू हो रहा है उसके आगे हमें जाना ही नहीं है, इसे हम कहते हैं शैलो पेनेट्रेशन। और लेडीज आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पेनेट्रेशन के टाइम आप एक और चीज भी कर सकते हैं कि अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने वजाइना अपनी योनि की दोनों ओर रख लीजिए, क्योंकि इससे आप कंट्रोल कर पाओगे कि आपका पार्टनर आपके कितनी अंदर तक पेनेट्रेट कर सकता है, कि ज्यादा अंदर जाने का, जहां से आपकी दर्द शुरू होती है ज्यादा तक अंदर जाने का चांस ही नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप रिलैक्स होंगे और जैसे आप रिलैक्स होंगे दर्द भी कम होता जाएगा। मेरी राय है कि आप सेक्स इसी तरह से शैलो पेनेट्रेशन से करें और इसी तरह करते रहें जब तक आपकी ये जो दर्द की कहानी है दिमाग में ये आनंद की कहानी में बदल जाए। क्योंकि जैसे जैसे आप आनंद महसूस करने लगेंगे आपका शरीर खुद से एक गहरे पेनेट्रेशन के लिए अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश शुरू कर देगा। प्लीज रिमेम्बर, सेक्स से आनंद मिलना चाहिए, पीड़ा नहीं। और अगर आपको दर्द हो रही है इसको ठीक करना जरूरी है।